हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में वर्नर थ्योरी को खत्म कर लिया था, वर्नर थ्योरी को हमने अच्छे से खत्म कर लिया था। नाउ इस बार हम समझेंगे यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इफेक्टिव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका होता क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका होता क्या है, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, ईएन रूल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते बच्चों, ईएन रूल भी बोल देते हैं सिंपली हम इसको। अब देखो ईएन रूल और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका होता क्या है उसको समझते हैं। तो यहां पर आपका जो ईएन रूल होता है बेटा, वो आपका क्या होता है एक्चुअली में, मैं आपको सिंपल बताना चाहूं तो सिंपल सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो आपका लिगेंड होता है, लिगेंड 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 आपका मेटल आयन से कौन से बॉन्ड से अटैच होता है बच्चों, कौन से बॉन्ड से अटैच होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब यहां पर बोलना बोलना चाहता है बच्चों ये कि जो आपका लिगेंड है वो आपके मेटल आयन से, मेटल आयन से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होगा, उसको फाइंड आउट करने का एक तरीका है, ठीक है। या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं लिगेंड लिगेंड विल डोनेट लोन इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर टू द मेटल आयन अंटिल मेटल आयन कैन नॉट टिल मेटल आयन गेट कॉन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। मतलब हम बोल सकते हैं सिंपल कि आपका जो लिगेंड है वो आपका डोनेट करता है लोन पर मेटल आयन को। कब तक डोनेट करेगा बच्चों, जब तक मेटल आयन अपना जब तक क्या नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन नहीं अटेंड कर लेगा, ठीक है, तब तक वो आपको क्या करता रहेगा, लोन पर डोनेट करेगा। लोन पर डोनेट करने का मतलब बोल सकते हैं बच्चों यहां पर ये क्या बना लेगा बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है। अब यहां पर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर लिगेंड आपका लोन पे डोनेट कर रहा है तो यहां से हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली में होता क्या था बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी। मतलब आपका मतलब यहां पर ध्यान से समझना कि नंबर ऑफ लिगेंड कितने लिगेंड आपके हैं और डेंटिसिटी मतलब लोन पे डोनेशन कैपेसिटी। तो यहां पर अगर एक लोन पे डोनेट करेगा एक लिगेंड तो एक आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहां से हमको क्या फाइंड आउट करने को मिलेगा, यहां से हम यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि इसका मैं सिंपल अगर बताना चाहूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मेटल आयन का आपको निकालना है कि क्या ये आपका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेटल आयन, सबसे पहले मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल ध्यान से समझना, माइनस कर देंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कर दिया, प्लस कर देंगे यहां पर आप लोग क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डोनेट बाय लिगेंड। बस ये अगर फॉर्मूला लगा देंगे, अगर इस फॉर्मूले का टोटल यहां पर इसका समय ये अगर आपका बेटा टोटल नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाए, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाए,
या फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर या फिर आपका नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के बराबर। आप जानते हो कि बच्चों नोबल गैस का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका नोबल गैस का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। नोबल गैस में जितना एटॉमिक नंबर, मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं अगर 36 बोलूं तो 36 आपका नोबल गैस का है तो 36 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका एटॉमिक नंबर 36 ही होगा। तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अटेंड कर लेगा, दोनों बात एक ही है। तो ध्यान से समझना कि क्या बोलना चाह रहा है कि लिगेंड आपका लोन पेयर को तब तक डोनेट करता है, तब तक डोनेट करता है जब तक मेटल आयन आपका इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड ना कर ले। ठीक है, जैसे एज एग्जांपल मैं अगर बात करूं यहां पर, ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैंने बात कर ले यहां पर K4Fe CN6। अब आपको यहां पर ये देखो, यहां पर K4Fe CN6, अब ये मेरे पास एग्जांपल है। अब इसमें मुझे ईएन निकालना है, तो ईएन कैसे निकालूंगा मैं, सिंपल तरीका देखो ध्यान से। ईएन निकालने का सिंपल तरीका क्या हो जाएगा, यहां पर सबसे पहले एफई का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, एफई का आपका एफई का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। 26 आपका एफई का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है। अब इस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा बच्चों, सिंपल निकालो, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, यहां पर -4 तो Fe का कितना आ जाएगा, +2, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर मैंने माइनस कर दिया। बात क्लियर है? नाउ अब CN कितने CN है, 6 CN है, और एक लिगेंड क्या देता है, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 6 CN कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करोगे तो 36। अभी 36 आपका किसका किसका एटॉमिक नंबर है, जल्दी से बताओ, ये आपका किसका हो जाएगा बच्चों, क्रिप्टोन का। तो मतलब क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर 36 है, मतलब क्रिप्टोन के एटॉमिक नंबर के बराबर आ गया। इसका मतलब ईएन रूल को सेटिस्फाई कर दिया। देखो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों, यहां पर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से समझना। एक और देखो यहां पर एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, निकल, देखो निकल CO4। अब देखो इसका मुझे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो क्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मेटल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों आपका क्या होगा, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से निकालने की कोशिश करो, इसका एटॉमिक नंबर होगा 28, इसका एटॉमिक नंबर आपका 28। अब अगर मैंने इस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0, इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं इसका नंबर ऑफ क्या निकालना चाहूं, इलेक्ट्रॉन विच डोनेट बाय लिगेंड, तो यहां पर 4 लिगेंड है और चारों के चारों आपकी वो यूनिडेंटेड है, तो मतलब यूनिडेंटेड मतलब एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक ही आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एक लोन पेयर अगर आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो 4, यहां पर एक लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो 4 लिगेंड कितने करेगा, 4 लोन पेयर। यहां तक क्लियर है? और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो देखो चार लोन पेयर डोनेट बाय दिस लिगेंड, और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से समझो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 36। तो ये भी आपका किसके इक्वल आ गया, क्रिप्टोन के इक्वल। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको करना है। देखो 28 तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है 28 इसका एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब यहां पर 4 लिगेंड है और यूनिडेंटेड में एक लोन पेयर देगा, मतलब एक लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो इस तरीके से आपका यहां पर आप निकाल सकते हो ईएन। अगर मैं और एग्जाम्पल देखना चाहूं तो और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखो और एग्जाम्पल, देख लेते हैं और एग्जाम्पल बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, यहां पर NH3 ये आपका एक्स, ये आपका Cl, यहां पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगला क्वेश्चन ये आपका है FeCOX, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब बताओ कैसे निकालोगे, अब बताओ कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ इफ ऑल आर फॉलोज EAN रूल, सारे आपके कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं बच्चों, EAN रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब ये आपका EAN रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब कोपर का नियरेस्ट, कोपर का देखो, कोपर का नियरेस्ट आपका जो नोबल गैस है उसका, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 36। ठीक है, अब हम इसका लगाते हैं, यहां पर कोपर का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 29 होता है, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो। अब यहां पर Cl है, तो यहां पर Cl है, तो यहां पर कितना आएगा, माइन यहां पर +1, तो कॉपर में कितना हो गया +1, मतलब आपको ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दिया। नाउ यहां पर एक लिगेंट एक्स लिगेंट, मतलब ये आपका यूनिडेंटेड है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन देगा, एक लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर से जस्ट अलग है, कोऑर्डिनेशन नंबर में वहां लिखते थे, यूनिडेंटेड है तो दो इलेक्ट्रॉन देगा, और ये आपका एक्स है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 28 36 प्लस 2x, अब इसको यहां भेज दो, 28 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो ये एक्चुअली में आपका कंपाउंड कैसा होगा, CuNH3 4 Cl। ठीक है, अब मैं इसको देख लेता हूं, इसको भी देख लेता हूं। अब बताओ बच्चों इसमें जल्दी से, इसमें क्या होगा, ये आपका 36 फॉलो करेगा, आपका EAN रूल को फॉलो करता है, मतलब Fe का नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आपका कितना होता है, 36 होता है। अब Fe का एटॉमिक नंबर 26। ठीक है, अब ये आपका किसको फॉलो करेगा बच्चों, ये आपका EAN रूल को फॉलो करेगा, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना बच्चों, यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 0 ही आएगा क्योंकि इस पे न्यूट्रल है, ये भी आपका न्यूट्रल था, तो इसका 0 मतलब टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं इसका निकालना चाहूँ तो यहां पर एक्स लिगेंड ये आपका यूनिडेंटेड है तो 1 आ जाएगा, और यूनिडेंटेड होने की वजह से एक लोन पेयर देगा, एक लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो, एक लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही खेल खेलना है इसमें, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही इसमें खेल खेलना है। आप जल्दी से बताओ बच्चे यहां पर कितना आ जाएगा, 36, यहां पर कितना आ जाएगा, 26 प्लस 2x, अब इसको मैंने यहां कर दिया देखो इस तरीके से, अब देखो यहां पर 36 माइनस 10 यहां पर आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 5। इस तरीके से हम यहां पर क्या निकालते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो मैंने ले देखे बात की क्या किया कि मेटल आयन के वो सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, मेटल आयन के सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सारे मैंने कैलकुलेट कर लिए, जा रहे हैं मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मेटल के सराउंडिंग, वो हमको कैलकुलेट करना है, और मेटल का ही हमेशा हमको क्या निकालना है बच्चों, इफेक्टिव एटोमिक नंबर। ठीक है, ये तो था आपका इसका पार्ट। अभी देखो एक और क्वेश्चन कर लेते बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन यहां पर एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो एक और क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स EAN रूल इज सेटिस्फाइड, EAN रूल इज सेटिस्फाइड। अब देखो यहां पर EAN रूल आपका कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ए आपका समझना बच्चों यहां पर K3 Fe CN6, एक ये है, बी आपका क्या है बच्चों यहां पर, बी आपका दिया हुआ है CR NH3 6 Cl3। ठीक है, सी आपका दिया हुआ है बच्चों यहां पर
ZN NH3 4, यहां पर SO4, ठीक है। और डी आपका क्या दिया हुआ है बच्चों? वेनेडियम CO5। अब देखो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इनमें से कौन आपका ईएन रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अब आपका ओवरऑल प्रैक्टिस आपका हो जाएगा अगर मैंने हर ऑप्शन का निकाला तो। अब देखो किस तरीके से निकालेंगे। अब देखो ये आपका क्या है बच्चों? एफई। ये आपका क्या है बच्चों? एफई। अब देखो यहां पर सबसे पहले एफई का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। अब इस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों इसका? -2। कैलकुलेट करना। यहां पर 6, ये वाला एक लोन पेयर देगा, एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? यहां पर आ जाएगा आपका 36। तो यह आपका ईएन रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। रुको, K3 यहां पर 3 होगा बच्चों, यहां पर 3 होगा क्योंकि यहां पर क्या आएगा? -3। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा बच्चों जल्दी से बताओ? 26 माइनस 3, 26 माइनस 3 मतलब 23, 23 प्लस 12 मतलब 35। तो यह आपका ईएन रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है बच्चों? सिंपल है कंसेप्ट, एक बार ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहां पर बताओ, यहां पर क्रोमियम का क्या होता है बच्चों? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जल्दी से बताओ, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से करो इसको। 24। यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों? ये जल्दी से बताओ, +3, ठीक है? +3 हो गया, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा जल्दी से निकालो? यहां पर आपका 3 हो गया। नाउ ये छे छे मतलब एक लिगेंड एक लोन पेयर देगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2। अब 21 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 33। तो ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है? ये आपका 36 के इक्वल आना चाहिए। नाउ अब हम इसका निकालते हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 30। अब देखो यहां पर +2 +2 मतलब यहां पर आपका इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा जल्दी से निकालो? ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ जाएगा माइनस, यहां पर +2 आएगा उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है? अब देखो 4, ये आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मतलब आपका 2, तो टोटल कितना आ जाएगा? 28 प्लस 8, टोटल आपका 36, मतलब ये आपके ईएन रूल को फॉलो करेगा। नाउ इसका भी निकाल लेते हैं बच्चों हम, इसका एटॉमिक नंबर 23, क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ माइनस नहीं करना, यहां पर आपका 5 लिगेंड है, 5 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा मतलब 1 लोन पेयर। यह क्या है बच्चों? ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? और एक लोन पेयर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आपका, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसका कितना आ जाएगा? 35। तो इसका मतलब ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। तो यहां पर केवल और केवल कौन सा ऑप्शन आपका फॉलो कर रहा है ईएन रूल को बच्चों? सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। चलो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, बस मैं ऑप्शन चेंज करूंगा। देखो अगर आपको बॉन्डिंग मिल जाए तो किस तरीके से डील करोगे? देखो यहां पर मैं आपको पहले ही बता रहा था तो ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहां पर ए ऑप्शन, देखो ये मैंने बना दिया इस तरीके से, यहां पर एमओ 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 का मतलब मोलिब्डेनम। अब ये क्वेश्चन अगर कर लिया तो बस हो गया क्वेश्चन सारे। ये क्वेश्चन काफी आपके टिपिकल क्वेश्चन में से एक माने जाते हैं बच्चों। ए, अब देखो बी ऑप्शन में क्या बना रहा हूं, बी ऑप्शन समझना बच्चों, सिमिलर है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपको सारे सिमिलर लगेंगे लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर आपके इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है? एमओ, या आपका सीएल, या आपका सीएल, ठीक है? यहां पर आपका इस तरीके से मैंने बना दिया। देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को ही ध्यान से समझना बच्चों बस। सी 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 ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन को काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक एक करके मैं आपको दो को निकालना बताऊंगा, बाकी के आप खुद निकालना बच्चों इसमें, बाकी के आप लोग खुद निकालना, दो में निकालना बताऊंगा, ठीक है? ताकि आप लोग का भी इसमें प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? ताकि आप लोगों का भी इसमें प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर एमओ सीएल एमओ, ये आपका सीएल, ये आपका सीएल, ये आपका सीएल, और ये आपका सीएल, इस तरीके से बनाया हुआ है।
आपसे पूछा है कि कौन सा स्ट्रक्चर आपका ई एन रूल को सेटिस्फाई करेगा, कौन सा स्ट्रक्चर आपका ई एन रूल को सेटिस्फाई करेगा। अब ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहले मैं इसका निकालता हूं, चलो ठीक है, मैं इसका निकालूंगा और मैं इसका निकालूंगा। आपका होमवर्क है इसका और इसका ई एन निकालना। अब देखने में स्ट्रक्चर लग रहा है काफी भारी, तो इतना वो नहीं है। देखो अगर मैं इसको अगर मैं अलग से लिखना चाहूं तो इसको अलग से मैं कैसे लिखूंगा, इसको अलग से मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, इसको अलग से मैं इस तरीके से लिखूंगा। अब ध्यान से समझना, जब भी एमओ का बॉन्ड अगर यहां इनर साइड से आ जाए, मतलब अंदर की ओर जाए, तो अंदर की ओर जाए मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके रेजोनेंस वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर अगर आपका अंदर की ओर जाए, लेकिन अगर मैंने इस तरीके से केवल बॉन्ड बना दिया, देखो इस तरीके से, तो केवल और केवल आपका कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, ये माइनस चार्ज ही आपका पार्टिसिपेट करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा अगर मैंने इस तरीके से बना दिया। और अगर मैंने अंदर से बॉन्ड निकाला तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपका पार्टिसिपेट करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपका पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां पर आपका 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, यहां पर भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, C5H5, C5H5, C5H5 में हमेशा माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। अब इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो ये इसको एक्स माना, एक्स माना, मान लिया एक्स एक्स, मान लिया हमने एक्स एक्स, तो इसको एक्स मान लिया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितने क्लोरीन है बच्चों, 4 क्लोरीन और 1 क्लोरीन का -1, ठीक है। साथ में कितने आपके ये बच्चों जल्दी से निकालो, यहां पर ये आपका 2 है और इस पर -1, इस पर -1, मतलब 2 -1 इस तरीके से आ जाएगा, और इसको 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। इसको मैंने 0 के इक्वल कर दिया। इसको ध्यान से समझना। अब ध्यान से मैं आपको एक और चीज इसी में बता देता हूं। इसको हम बोलते हैं सिग्मा टाइप, इसको हम बोलते हैं पाई टाइप, ठीक है। पाई टाइप में पूरा अंदर का सिस्टम आता है, सिग्मा टाइप में आपका आउटर वाला सिस्टम आएगा केवल, बस इतना सा ध्यान रखो आप लोग। वैसे ये अक्सर नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका 0 हो गया, अब टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया, 3, तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3। और मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 42। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहां पर कितना आ जाएगा, -3। अब यहां से इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिले, आपको आपको इलेक्ट्रॉन ही काउंट करने ना, कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो ये तो आपका एक है, तो ये आपका एक एक लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है, 6 को देगा। ये वाला एक लिगेंड आपको किसको देगा बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन को देगा। ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर आपका क्या है बच्चों, यहां पर ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ठीक है। टोटल आपका 4 लिगेंट 2 इलेक्ट्रॉन को देंगे। बात क्लियर है, 4 लिगेंट 2 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। और यहां पर भी आपको इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, ये वाला जो बॉन्ड होता है मेटल मेटल का, मेटल मेटल के बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहां पर टोटल 1 इलेक्ट्रॉन। आप काउंट करो यहां पर कितना हो जाएगा, 39 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1। देखो ये हो गया आपका, अब देखो 39 प्लस 6, 39 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 45, और 45 प्लस 1 46, 46, 46 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 54। अब मुझे ये बताओ कि 54 आपका किसका एटॉमिक नंबर है, 54 आप लोग देख के बताओ किसका वो आपका एटॉमिक नंबर होगा, 54 आपका जेनोन का होगा, मतलब ये आपके ईएन को फॉलो कर रहा है। अब इसमें निकालते, ठीक है, इसमें निकालते, यहां पर भी आपका -1, यहां पर भी आपका -1, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए यहां पर, टोटल यहां पर आपके, यहां पर एक मोलिब्डेनम का अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां पर कितने, 2x इक्वल टू 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन, 1 क्लोरीन पे -1, और ये आपका 2 है, तो 2 पर -1 इक्वल टू 0, तो 2x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, ये आपका हो जाएगा
ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब जब मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, अब देखो ये आपका लैंड अंदर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, पाई, पाई वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, पाई वाला, ठीक है, पाई वाला। तो ये आपका पाई वाला हो जाएगा। अब देखो यहां पर अब मैं अगर इसका निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालेंगे, मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 42, ठीक है, माइनस 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी वजह से कितने आएंगे, इसकी वजह से 6, यहां पर क्लोरीन की वजह से, दो क्लोरीन की वजह से दो लोन पेयर, दो लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन दो क्लोरीन की वजह से, सॉरी हाँ हाँ, दो क्लोरीन की वजह से एक लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे टोटल, यहां पर दो टोटल 4, देखो 4 बना दिया। अब यहां पर इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मैंने ऐड कर दिया। देखो अब काउंट करो यहां पर 43, 39, 39 plus 6 plus 4 plus 1, 39 plus 6 कितना हो जाएगा 45, 45 plus 1 कितना हो जाएगा बच्चों 49 plus 1 कितना हो जाएगा, sorry, 45 plus 1 46, 46 plus 4 50। तो क्या ये आपके EAN रूल को सेटिस्फाई कर रहा है? जहां पर ये आपके EAN रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर ये आपके EAN रूल को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आई होप के आपको बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा, ये आपका EAN रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये आपके EAN रूल को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर बच्चों यहां पर अगर मैंने बाहर से ही बॉन्ड बनाया होता तो वो केवल आपका सिंपल वाला होता, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, एक दो बार अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये वाला आपको निकालना है, और एक और मैं आपको होमवर्क दे रहता हूँ बच्चों, इसका भी आपको EAN निकालना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसका भी आपको EAN निकालना है, ठीक है, इसका भी आपको EAN निकालना है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका भी आपको EAN निकाल के बताना है, स्ट्रक्चर वाले, ठीक है, स्ट्रक्चर वाले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अभी देखो एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं बच्चों, यहां पर एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देखो ध्यान से समझना। अभी मुझसे पूछा जाएगा फाइंड द EAN ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। देखो फाइंड द EAN ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मुझको अप्रोच करना है। C5H5 यहां पर आपको 1, ये आपका पाई, C3H3 यहां पर भी आपको क्या दिया हुआ है 1, COZ ये भी आपका 1। अब आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है इसका, कैसे निकालेंगे सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। अब देखो यहां पर C5H5 मतलब ये, और C3H3 मतलब क्या, C3H3 मतलब ये आपका, यहां पर एक एच, यहां पर एक एच, और यहां से एक निकाल दिया तो एक एच, ये आपका C3H3। बेटा इसका स्ट्रक्चर दे देख लो, बना लो। देखो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये आपका 3 कार्बन है, और यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो एक हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन। टोटल यहां पर इसका स्ट्रक्चर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना वो C3H3। अब मतलब यहां पर क्या है बच्चों, दोनों क्या है बच्चों, पाई ए, इसका मतलब दोनों आपका अंदर से है, दोनों आपका कहां से बच्चों, अंदर से है। तो मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन तो काम में आ रहे, लेकिन साथ में ये वाले, तो इसका मतलब ये आपके कितने इलेक्ट्रॉन को देगा, 4 इलेक्ट्रॉन को देगा। और यहां पर ये वाला तो काम में आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी ये वाले भी काम में आ रहे, मतलब पाई वाले भी काम में आ रहे, तो टोटल यहां से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसको, 6 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब नाउ निकालो Fe का, यहां पर माइनस चार्ज हुई, इसका माइनस 1 होता है, इसका माइनस 1 होता है। अगर मैं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूं तो टोटल यहां पर 0 है, तो निकालो। देखो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर x माना, यहां पर ये 1 है,
ए वन इंटू माइनस वन, यहां पर भी ये आपका वन है तो वन इंटू माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस टू, दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। अब Fe का मुझे निकालना है यहां पर कितना आ जाएगा 26 एटॉमिक नंबर, माइनस दो निकाल दिया, अब यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर एक है और ये आपका कितने इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों, सिक्स इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी आपका एक है, ये आपका कितना इलेक्ट्रॉन देगा फोर इलेक्ट्रॉन देगा, ये आपका एक है, ये आपका न्यूट्रल है ना, ये आपका एक है तो ये आपका कितना देगा जीरो देगा, ये सॉरी ये आपका दो देगा। अब कैलकुलेट करो, ये आपका 24 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, देखो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 4 34, 34 प्लस 2 इक्वल टू व्हाट 36, तो इसका आपका कि क्या आ गया बच्चों, ये आपका EAN को फॉलो करेगा। इस तरीके से हमने इसमें EAN निकाला है, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा, काफी इजी है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो यहां पर एक और क्वेश्चन देखो, इस बार मैं लेता हूं काफी अच्छा क्वेश्चन, सी आर सी ओ एक्स पाई बी थ्री एन थ्री एच सिक्स वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड इट कैन फॉलो, एंड इट कैन फॉलो follows EAN रूल, ये आपका EAN रूल को फॉलो करेगा। अब आपको वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा अब देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, अब आप लोगों को अगर स्ट्रक्चर पता होगा तो आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। बी थ्री एन थ्री पाई का मतलब जल्दी से बताओ, अब देखो ये आपका EAN को फॉलो कर रहा है तो बी थ्री एन थ्री पे यार कोई चार्ज होता है बच्चों, सबसे पहले मुझे यह बताओ क्या बी थ्री एन थ्री पे कोई चार्ज होता है, यहां पर बी थ्री एंट्री पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो यहां पर चार्ज, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर सी आर का कितना आ गया जीरो, ठीक है, सी आर का ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या आ गया जीरो आ गया। अब देखो ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है इसका मतलब सी आर का, सी आर के बगल वाला क्या होता है 36, 6 हो गया। अब ना हम यहां पर चेक करेंगे कि ये आपका 36 हो गया, ये आपका कितना हो गया 36 हो गया, अब 36 है, अब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर इसका सॉरी यहां पर इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 24, ये आपका एक्स, ये आपका दो इलेक्ट्रॉन देगा, ये आपका वाई, अब ये आपका कितना इलेक्ट्रॉन देगा 6 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये आपका क्या होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये मैंने बताया था ना इनऑर्गेनिक बेंजीन, अब इनऑर्गेनिक बेंजीन के ऊपर कोई चार्ज होता है बच्चों, नहीं होता, अब यहां पर आपका कोई चार्ज नहीं होगा, तो इस तरीके से होगा। चार्ज हमेशा कहां आएगा, जहां पर ये 5 1 2 1 3 4 1 3 5 7 वाला सिस्टम होगा तब आपको पक्का चार्ज आएगा, जब 6 मतलब आपका 2 4 6 वाला सिस्टम होगा तब आपका चार्ज नहीं आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा इनऑर्गेनिक बेंजीन है तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन देगा, किस तरीके से बनेगा आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन, इस तरीके से मैंने आपको बनाया था बच्चों, एक बार बताया भी था, ठीक है, इस तरीके से ये आपका इस तरफ, ये आपका इस तरफ, ये आपका इस तरफ, इस तरफ मैंने बताया था, इस तरीके से इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाना बच्चों, किस किस को ये याद है, जिस जिसको याद है वो इस तरीके से इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है 6, तो इसलिए 6 आ गया, ठीक है। अब नाउ हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो 36 माइनस 24 इक्वल टू व्हाट 12, अब 36 माइनस 24 इक्वल टू व्हाट कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब 12 लाने का तरीका क्या है, 12 लाने का तरीका क्या है, या तो इस, या तो x की वैल्यू को मैं 0 कर दूं, x की वैल्यू को 0 कर दूं और y की वैल्यू मैं 2 कर दूं, एक तो इस तरीके से 12 आ सकता है, या तो मेरा x की वैल्यू को मैं कर दूं यहां पर 3 और y की वैल्यू को 1 कर दूं, इस तरीके से 12 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू 0 कर दी तो ये तो आपका बनेगा ही नहीं, ये तो आपका हट जाएगा टोटल, मुझे इसको भी रखना है, इसको भी रखना है, तो कौन सा कंडीशन फॉलो होगा बच्चों, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 रख के देखो, x की वैल्यू 3 रखा तो 6, y की वैल्यू 1 रखा तो 6, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, तभी ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डिटेल करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन था,
तो आई होप कि आपको अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों वीवीटी थ्योरी। और वीवीटी थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम वर्नर थ्योरी के जो लिमिटेशन है उसको हम समझ लेंगे, देन आफ्टर में आपको वीवीटी थ्योरी के बारे में बताऊंगा।